पॉइंट है हमारा हाई स्पीड। क्योंकि हम सभी जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके कारण इसका स्पीड भी काफ़ी हाई होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। कंप्यूटर का स्पीड को हम प्रोसेसिंग स्पीड कहते हैं। यानी अगर कोई बोले कि कंप्यूटर का स्पीड क्या है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के स्पीड को ही हम कंप्यूटर का स्पीड कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या कहता है, स्पीड जाना ज़्यादा होने के कारण स्पीड हमारा क्या है, हाई है, जिसके कारण हमारा एक्यूरेसी भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। यानी अगर यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा इनपुट करता है, तो वो बहुत कम समय में, लो टाइम में हमारा सही यानी एरर फ्री रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं GIGO, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिलीजेंस। डिलीजेंस हमारा क्या कहता है, डिलीजेंस के द्वारा कंप्यूटर में कोई भी वर्क कंटिन्यू कई आवर्स तक एरर फ्री किया जा सकता है। यानी अगर कोई कंप्यूटर में हम किसी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो वह कंप्यूटर उस वर्क को कई घंटों तक बिना एरर दिए भी काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कंप्यूटर के अंदर हाई स्टोरेज मतलब स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा हार्ड डिस्क। यानी अगर हम कोई डाटा को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे डाटा को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसका स्टोरेज काफ़ी ह्यूज होता है, इसका स्टोरेज काफ़ी यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्सेलिटी। वर्सेलिटी क्या कहता है, जब भी हम कंप्यूटर में कई मतलब मेनी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को एक साथ यानी टुगेदर करते हैं, तो इसके लिए वर्सेटाइल बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। यह हमारे सभी वर्क को एरर फ्री प्रोवाइड करता है और सेम टाइम में सेम स्पीड में आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन पेपर वर्क, ठीक है। यानी कंप्यूटर के यूज़ से हम पेपर का बहुत कम यूज करते हैं। यानी कह सकते हैं कि आफ्टर कंप्यूटर वी यूज लॉ टाइम्स ऑफ कंप्यूटर वी यूज बहुत कम पेपर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम कंप्यूटर के अंदर ही ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। सम लिमिटेशन, कंप्यूटर के अंदर कुछ लिमिटेशन है। पहला है हमारा जीरो आईक्यू। पहला हमारा लिमिटेशन है जीरो आईक्यू,
यानी कंप्यूटर का अपना ऑन माइंड नहीं होता है, कंप्यूटर के अंदर अपना खुद का दिमाग नहीं होता, यानी यह खुद से सोच या समझ नहीं सकता है, यह सिर्फ वर्क करता है यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के द्वारा। ठीक है, सेकेंड वन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, यानी यह खुद से अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये बहुत हर सेम कुछ डिफरेंस है। डिसीजन मेकिंग यानी जैसे इंसान खुद से कोई भी सिचुएशन के अनुसार डिसीजन ले सकता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। यह जब भी डिसीजन लेगा तो वो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के द्वारा ही लेगा। ठीक है, थर्ड है नो लर्निंग पावर, चूंकि इसके पास अपना कोई माइंड नहीं है तो यह कुछ भी खुद से पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।